दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी स्कॉलरशिप PFMS पर शो हो रही थी 25 जनवरी को, जिनकी स्कॉलरशिप शो हुई थी PFMS पर, वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने लगी है और उसका प्रूफ भी आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और आपकी अभी तक क्रेडिट हुई है या नहीं आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी PFMS पर शो हो रही थी 25 तारीख को, जिनकी शो हुई थी उनकी बैंक में क्रेडिट होने लगी है, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी किसी भी अपडेट को पाने के लिए। तो जिनकी PFMS पर शो हुई है उनकी तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने लगी है, लेकिन आप अपनी चेक कर लीजिए कि आपकी अभी तक PFMS पर शो हुई है या फिर नहीं। स्कॉलरशिप रोज आ रही, तो आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना है sarkarijob.co, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपको sarkarijob.co ही टाइप करना है, ठीक है। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा यूपी स्कॉलरशिप चेक 2019-20, उस पर आप कर देंगे क्लिक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो फिर आप अपनी स्कॉलरशिप चेक करने के लिए यहाँ पर आप चेक देखिए, आपको नज़र आएगा चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट नंबर सभी के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आप अपनी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि आपकी जो PFMS पर शो हो रही थी स्कॉलरशिप 25 जनवरी को, जिन छात्रों की शो हुई थी वो अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने लगी है, उसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने प्रूफ है बैंक ऑफ इंडिया का, RS 30,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड NAS योर अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए क्रेडिटेड थ्रू PFMS ऑन 28/1/2020, यानी 25 तारीख को इनकी शो हुई थी स्कॉलरशिप और 28 तारीख को इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 7 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ही दिन में क्रेडिट हो गई है। एक ये SMS है आपके पास, देखिए बैंक ऑफ इंडिया का ही है, RS 50,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है। और ये देखिए क्रेडिटेड थ्रू PFMS ऑन 28/1/2020, तो 25 तारीख को जिन छात्रों की शो हुई थी वो काफ़ी छात्रों की 28 को उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। लेकिन ये बैंक का भी थोड़ा अंतर हो जाता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया 3 दिन में क्रेडिट हो गई है, हो सकता है आपका दूसरा बैंक हो तो अभी क्रेडिट ना हुई हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, 7 दिन के अंदर अंदर वो ज़रूर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अगर PFMS पर आपकी स्कॉलरशिप शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ।